खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात बीजेपी की चल रही है, बात महाराष्ट्र की चल रही है। खबर अब ये आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे कृपाशंकर सिंह, जिन्होंने कल ही पार्टी छोड़ी है, अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्यों अचानक कृपाशंकर सिंह को बीजेपी इतनी पसंद आ रही है, पीछे की क्या कहानी आपको दिखाते हैं। पुलवामा की घटना के बाद जो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हुआ, उसके सबूत माने जाने लगे। बालाकोट की घटना को ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की भाषा हम बोल रहे हैं। कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाने वाले ये शख्स महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर हैं। कल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज कृपाशंकर एबीपी न्यूज से बात करते हुए रो पड़े। कभी लड़की की विदाई होती है, घर छोड़ना पड़ता है तो कैसा कष्ट होता है, कभी घर छोड़ के जाना पड़ता है तो ऐसा कष्ट होता है। कृपाशंकर ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की वजह पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने और अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के विरोधी रुख को बताया है। उसके सबूत माने जाएंगे। बालाकोट की घटना को ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की भाषा हम बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से विरोध किया है, उससे मैं आहत हुआ हूँ। हमारे लिए नेशन पहले है, राष्ट्र पहले है, उसके लिए मैंने इस्तीफा दिया। कृपाशंकर इसी हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके बीजेपी से जुड़ने की अटकलें तभी से लगने लगी थीं जब इसी महीने की 3 तारीख को सीएम फडणवीस उनके घर में स्थापित गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि उनके कांग्रेस छोड़ने की दूसरी वजह भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कृपाशंकर की गर्मा गर्म बहस हो गई, जिसके बाद कृपाशंकर ने इस्तीफा दे दिया। 370 पे अब वो बोले, कल तो हमको बोले थे कि शाम में ही हम लिस्ट कल ला के देंगे, तो अब आप ही समझिए किस आधार पर चलेंगे। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर पर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद से ही कांग्रेस में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। यूपी के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले कृपाशंकर की मुंबई में उत्तर भारतीय वोटरों पर अच्छी पकड़ है। पहले वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।